जैसे रूपा जी देख रहे हैं आज मसालों का भी कारोबार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। धनिया और जीरा काफी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं आज वायदा बाजार के अंदर। जीरा 16,200 के पार है तो वहीं धनिया भी 8,500 के ऊपर निकल चुका है। रूपा जी आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन मसालों में तेजी बनी है, क्या ये तेजी कायम रह पाएगी साल के अंत तक? देखिए जो ये तेजी बनी है बिल्कुल कायम रह सकती है। देखिए इन्होंने अपने लेवल्स ब्रेकआउट दिया है। अभी आप धनिया की हमने जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 8,500 तक धनिया ऊपर जा सकता है, लेकिन अब 8,500 के ऊपर निकल चुका है और एक दो दिन की अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से वापिस से बाजारों में तेजी बन सकती है और 8,800 तक ऊपर जा सकता है। वहीं अगर बात करें जीरा की, तो जीरे ने लंबे अरसे के बाद जो है वो 16,000 के स्तर को ऊपरी जो है वो ब्रेकआउट दिया है। अब 16,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आप मान के चलिए फिर इसमें तेजी 16,800 से 17,200 तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो हल्दी में भी तेजी बनी है और हल्दी भी अब 7,400 के आसपास दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हल्दी को भी आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 7,800 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि डिमांड फैक्टर अब थोड़ा सा पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। विंटर सीजन में भी मसालों की मांग जो है वो अच्छी खासी दिखाई देती है, तो वो फैक्टर भी अभी अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में तेजी बनी है। और अब ये थोड़ा बहुत बाजार जो है शॉर्ट टर्म में और तेजी की तरफ जा सकता है, यानी इस साल के एंड तक आप मानकर चलिए कि अच्छा मुनाफा मसाले भी देते हुए नजर आ सकते हैं। जी,